अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बुलंदशहर निवासी एक व्यक्ति ने मुंबई से सीधे यहां ससुराल आकर मेरठ वासियों को भी परेशानी में डाल दिया है। तबीयत खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया था, जहां हुई जांच में वह बीते दिन कोरोना से संक्रमित पाया गया। कोरोना से पीड़ित होने की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके परिजनों को भी आइसोलेट कर जांच की जा रही है। सर, कोरोना को लेके अब तक कितने पेशेंट एडमिट हुए हैं, अब किस तरीके के अपडेट है? अभी तक हम लोगों ने 52 लोगों का टेस्ट कराया है, जिसमें से एक पॉजिटिव निकला है जो कुर्जा का रहने वाला था, लेकिन महाराष्ट्र से वो सीधे मेरठ आ गया। मेरठ में उसकी ससुराल है और अब उसकी जो परसों ये एडमिट हुआ था खांसी जुकाम बुखार लेके, कल पॉजिटिव आया है। इसको हम इसकी देख रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस के कांटेक्ट में आया है। इसके घर वाले चार हमने रात को ही भर्ती करा दिए थे, उन चारों की आज सैंपलिंग हो रही है। और इसके अलावा और किस किस से ये मिला है, सभी की टेस्टिंग हम कराने जा रहे हैं। टीम गठित कर ली गई है और टीम गठित करके पूरे इलाके में जहाँ जहाँ ये रहा है वहाँ सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर आयुक्त साहब से मेरी बात हो गई है और वो सैनिटाइज कराएंगे आज। इसके अलावा ये मस्जिद में भी गया हुआ, तो मस्जिद में भी कौन कौन लोग वहाँ से आते हैं उन सब की हम ट्रैकिंग करेंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। कोरोना का पॉजिटिव मिला था, क्या सील किया गया है, कैसे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं मेरे? ये एक बुलंदशहर का व्यक्ति था जिसकी ससुराल यहाँ पर थी और वो कल जो टेस्ट हुआ है उसमें पॉजिटिव पाया गया है। उसको आइसोलेट किया गया है संबंधित स्वास्थ्य विभाग द्वारा और डॉक्टर्स और बाकी लोगों की टीम उसकी देख रेख के लिए लगाई गई है। उसके साथ जो उसके परिजन थे उनका भी सैंपल लिया गया, उनकी भी डॉक्टर द्वारा आज सैंपल की जो है वो की जा रही है चेकिंग, और बाकी उसके आसपास के एरिया को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि जनपद में सभी जगह सारी दुकानें बंद हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, बाकी चीज़ें पुलिस स्वयं सबको मुहैया करवा रही है। जो नीडी लोग हैं उनके लिए पुलिस की तरफ से एक नंबर भी जारी हुआ है, जिससे हम लोग उनके यहाँ भोजन पहुँचा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध के इंतजाम भी कराए जा रहे हैं और सारी तरह से पुलिस यहाँ की तत्पर है। सामने बात आ रही है कि उसने दो मस्जिदों में यहाँ नमाज भी पढ़ी थी और लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में गया था, क्या वहाँ भी? हाँ, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग से बात हुई है और जहाँ जहाँ पे व्यक्ति गया था सभी जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा और अभी जो उसके साथ उसके परिजन थे उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, तो जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई और सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच मेरठ जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए यह व्यक्ति जहाँ जहाँ रहा है मेरठ स्थित उन तीन इलाकों को सील कर दिया है। मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 13 निवासी यह व्यक्ति महाराष्ट्र से सीधे यहां अपनी ससुराल पहुंचा था। वह बुलंदशहर के खुर्जा का मूल निवासी है। इस दौरान वह हुमायूं नगर स्थित रिश्तेदारी में भी रहा और मस्जिद में नमाज पढ़ी। वह एक विवाह समारोह में भी सम्मिलित हुआ था। तबीयत खराब होने पर गुरुवार को उसे मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसका कोरोना टेस्ट हुआ जो बीते दिवस पॉजिटिव पाया गया। 50 वर्षीय इस व्यक्ति के संक्रमित होने की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके परिवार के सदस्यों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने अपने आदेश में कहा है कि इस शख्स का सराय बहलीन, शराब गेट व हुमायूं नगर हकीमुद्दीन मस्जिद से जमुना नगर रोड जियो टावर के सामने काले दरवाजा तक जाना संज्ञान में आया है। इन तीनों स्थानों के 1 किलोमीटर के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस का फैलाव रोकने, बचाव व नियंत्रण करने के उद्देश्य से सील किया गया है। सईद भाई, ये बताइए यहाँ पे जो मरीज था वो यहाँ भी आया था, कहाँ पे आया था और कौन सा घर है उसका? ये वाला घर है उनका, रेड वाला, इस पे चादर लटक रही है। कितने दिन रहा, कितने दिन पुरानी बात है ये? 2-3 दिन रहा, अभी बता रहे हैं 2-3 दिन से था यहाँ पर वो। अच्छा, चला गया था बुलंदशहर। तो आज क्या हुआ फिर यहाँ पर? यहाँ पे उनको बुलंदशहर से कॉल आई होगी, सब डॉक्टर वगैरह सब यहाँ पर आए और इनके पूरे घर की जाँच हुई है। तो बंद कर दिया सबको अंदर? हाँ, सबको बंद कर दिया है, घर वाले पूरे टीम आई है। स्वास्थ्य विभाग, मोहल्ले वाले कितने डरे हुए हैं? बस मोहल्ले वाले बहुत डरे हुए हैं, सब मोहल्ले में सफाई हो रही है, सैनिटाइजर फेंका जा रहा है, पूरे महीने की सफाई हो जा रही है, सारा प्रशासन अलर्ट है। 30 मार्च की सुबह 8 बजे तक इस क्षेत्र में आना जाना व वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों के लोग भी इस दौरान अपने आवासों पर ही रहेंगे। इसका उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बीच बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं जो संसाधन न मिलने पर पैदल ही दूसरे राज्यों से अपने घर जा रहे हैं।
हालांकि प्रदेश की योगी सरकार ने इन लोगों को घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। इन लोगों को बसों द्वारा इनके घरों तक छोड़ा जाएगा। इलाहाबाद व बलिया बहराइच से भी दूर तक इन लोगों को जाना है। ये कुछ लोग हैं जो स्वयंसेवी संगठन के लोग हैं और ये खाना लोगों को बराबर यहाँ पर दे रहे हैं। कुछ बसें खड़ी हुई हैं। कहाँ से जा रही हैं बसें सर, आप बता रहे थे? यहाँ पर पहले हुआ सीजारजी टोल टैक्स पर, वहाँ से बसें जा रही हैं लगा। तो बस अड्डे से कोई नहीं है? बस अड्डे से जा रही है, वहाँ से सब जगह की अलाउड है। बताइए कहाँ से? बस अड्डे से छिजारसी टोल टैक्स जा रही है, वहाँ से सब जगह की बस मिल रही है। अच्छा, देखिए हमने रास्ते में बहुत बसें निकली है। अच्छा, ये आप लोग क्या नाम है, आप ये कर रहे हैं सब? अच्छा अच्छा, हम एक ही नाम है। अरे बस आ गई, बस ये जैसे ही कोई बस आती है तो ये लोग खाना, ये देखिए प्लग वाले चिजारजी से भर के आई है, जो कि जा रही है लखनऊ, ये लखनऊ जा रही है बस, अब आई है ये भर के। उधर ऐसे ही गरीब लोगों की मदद के लिए समाज के तमाम लोग आगे आ रहे हैं। पुलिस, जिसका चेहरा सख्ती के लिए ही जाना जाता है, वह भी इन दिनों गरीब लोगों को खाना पीना मुहैया करा रही है। एसओ नौचंदी ने थाना परिसर में ही कढ़ाई चढ़वा दी है, वहीं महिला स्टाफ भी पूरी बनाता नजर आ रहा है। इस खबर में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।